पुलिस को इस वारदात की इत्तला तब मिली जब ये वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंचा। पुलिस अब इस वीडियो की मदद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। शराब की खातिर कुछ लोग कैसे कोरोना के खतरे से खेल रहे हैं, इसकी एक और जिंदा मिसाल है ये नौजवान। ब्रिज का वास नाम का ये नौजवान मध्य प्रदेश के सिवनी का रहने वाला है और कुछ ही दिन पहले हैदराबाद से अपने घर लौटा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिज का वास को हैदराबाद से लौटने के बाद कई दिनों तक क्वारंटीन किया गया था, लेकिन मौका मिलते ही ये शराब की दुकान पर जा पहुंचा और नशे में धुत होकर स्वास्थ्य केंद्र लौट आया। उसने बार बार बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसकी कोरोना जांच की जाए। काफी देर तक हंगामा करने के बाद उसे जैसे तैसे वहां से भेजा गया। शराब के नशे में खुद ड्रामा कर रहे हैं, तमाशेबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। इसके बाद भी लाइनों की लंबाई कम नहीं हुई। शहर शहर शराब की दुकानों के सामने खड़े हैं शराब के शौकीन। शराब की दुकान के सामने लंबी कतार की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। शराब के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के बाद भी दिल्ली में खरीदारों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में तो शराब के शौकीनों की इतनी भीड़ लग गई कि उन्हें टोकन नंबर देने पड़े। दिल्ली में सबसे महंगी शराब बिक रही है, इसके बावजूद शराब के लिए लंबी लंबी लाइनें देखकर हैरानी होती है। दिल्ली के कल्याणपुरी में तो करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन में दूर दूर तक लोग खड़े नजर आए, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शराब के शौकीन कह रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि क्या इन लोगों के दिल में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम का नजारा दिखाते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद बुधवार को शराब की दुकानें खुल गईं। गुरुग्राम में तकरीबन सभी दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी और लोग अपना स्टॉक खरीद कर जल्दी जल्दी घर ले जा रहे थे। डर था कि कहीं फिर से शराब के ठेके बंद ना हो जाएं। हैरानी की बात तो ये है कि गुरुग्राम में भी शराब की लाइनों में कई महिलाएं खड़ी हुई नजर आईं। लाइन लंबी थी और सभी को शराब खरीद कर घर लौटने की जल्दी थी,